हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलदीप राठौर, टीम मैथमेटिक्स सीएलसी सीकर। तो अपन आज लोग ये 9th क्लास का टेक्नो का थर्ड और सेकंड फोर्थ जोन का पेपर सॉल्यूशन करेंगे, मैथ सेक्शन का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4 पावर 3.5 एंड 2 पावर 5। तो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और उसकी पावर 3.5 रेशियो 2 पावर 5। 3.5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 7 रेशियो 2 पावर 5। और 2 पावर 5 2 पावर 5 दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, इधर बचेगा 2 पावर 2 और इधर बचेगा 1, यानी 4 रेशियो 1। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला, इफ एन इज ए नेचुरल नंबर देन रूट एन। देखो रूट एन क्या हो सकता है इसमें, एन का वैल्यू लेट से रूट टू, एन का वैल्यू 2 पुट किया तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। 3 पुट करेंगे तो √3, और ये भी कैसा है, इरेशनल नंबर। बट अगर अपन एन का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2। ये कैसा है, नेचुरल नंबर, और ये कैसे है, इरेशनल नंबर। जब भी देखो एन कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर, यानी 9 पे कितना हो जाएगा, फिर से 3, 16 पे फिर से 4, तो ये सब कैसे आ रहे हैं, नेचुरल नंबर। अदरवाइज क्या आएगा, 15 पे चेक करेंगे तो ये कैसा आएगा, इरेशनल। तो या तो आएगा नेचुरल नंबर या फिर कैसा आएगा, इरेशनल नंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, समटाइम्स ए नेचुरल नंबर एंड समटाइम्स एन इरेशनल नंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, थर्ड में अपने को पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये 4 क्वांटिटीज गिवन, -2/3, -4/9, -5/12 और -7/18। इनमें से कंपेयर करना है कौन सा किससे बड़ा है। सारे के सारे देखो, चारों ऑप्शन में सारे के सारे नंबर कैसे, नेगेटिव, और डिनोमिनेटर सबका अलग है, न्यूमरेटर सबका अलग है। तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। सब में देखो डिनोमिनेटर 3, 9, 12, 18 ऐसा है, तो डिनोमिनेटर कितना कर लेते हैं, 36 कर लेते हैं। 18 का सबका डिनोमिनेटर कितना कर लेते हैं, 37। क्यों, क्योंकि इनका एलसीएम 36 आना है। तो पहले का 36 बनाओगे, 3 को 36 बनाओगे, 3 × 12। फिर 9 को 36 बनाना है तो 9 × 4 = 36, और फिर 12 को बनाना है तो 12 × 3, ये 36, और 18 को बनाएंगे तो 18 × 2, 36। अब ऊपर कितना है, 3 के ऊपर 2 है, तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और 4 को किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 के ऊपर कितना है, 5, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और 7 को 2 से, और सबको नेगेटिव भी करना है, तो ये लो माइनस माइनस। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जो जिसका बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर आ रहा है -24, और यहाँ पे -16, यहाँ पे -15, और यहाँ पे -14। यानी नेगेटिव में जो छोटा हो, पॉजिटिव में छोटा होगा, वो नेगेटिव लगाते ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये ऑर्डर सही हो जाएगा अपना। तो -14 किसका है, -7/18, यानी फर्स्ट ही ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोला, फैक्टर्स ऑफ दिस, इसके फैक्टर करने हैं। देखो इन दोनों में अपने को दिख रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते क्या बच गया यहाँ पे, x + 1, और साथ में ये क्या है, x + 1। यहां से देखो x + 1 और x + 1 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो x + 1 को फिर से कॉमन ले लिया। यहाँ तो अपने पास में बचेगा x², और यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब 1 है। तो दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो x + 1 और दूसरा x² + 1। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो एक इक्वेशन गिवन है अपने को, 2 की पावर x 4 की पावर y 8 की पावर z। 2 की पावर x, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2y, और इसको z को क्या लिख सकते, 8 को क्या लिख सकते अपन, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 × z, तो 3z। अब देखो बेस सेम है तीनों का, तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो x = 2 2y = 3z। इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, k, y का वैल्यू k/2, और z का वैल्यू k/3। अब ये वाली वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू तो आ गया अपने पास में k, तो यानी 1/2k + 4y, यानी y की जगह कितना पुट करना है,
के बाई टू, यानी टू इंटू के बाई टू, फोर इंटू के बाई टू, यानी कितना हो जाएगा अपने पास में टू के, और यहां पे भी y, z का वैल्यू k बाई थ्री पुट करेंगे तो फिर 2k, 1 अपॉन 2k, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 24 बाई 7, यहां से ये कितना हो गया 3 अपॉन 2k, 24 अपॉन 7, 8 से कैंसिल हो जाएगा तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में 7 अपॉन 16, k का वैल्यू 7 अपॉन 16 आ गया, किसका वैल्यू पूछा इसने, वैल्यू ऑफ z, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, z इक्वल्स टू 3 इंटू 7 अपॉन 16, यानी कितना आ जाएगा, सॉरी z का k बाई 3, तो 3 डिनोमिनेटर, 7 अपॉन 16 इंटू 1 बाई 3, तो कितना आ जाएगा 7 अपॉन में 48, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा आइडेंटिफाई द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन है इसके जीरो को आइडेंटिफाई करना है। देखो इसके अंदर अपन मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 4 और माइनस 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो कितने बन जाएंगे, 4 इंटू माइनस 4 पाई स्क्वायर, कितना हो गया माइनस 16 पाई स्क्वायर। अब यहां पे मिडिल टर्म में है माइनस 15 जेड, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 16 पाई स्क्वायर को माइनस 15 पाई और प्लस का पाई, यही है जेड से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो माइनस 4 पाई स्क्वायर और यहां पे 4 जेड स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा कॉमन अपने, सॉरी 16, 15 को लिखना है माइनस 16 पाई जेड, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस 16 पाई स्क्वायर हो रहा है, तो यहां से 4 जेड को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा जेड माइनस 4 पाई, और यहां से प्लस 1 कर लेंगे पाई ले लेंगे कॉमन तो जेड माइनस 4 पाई, तो दो फैक्टर आ जाएंगे, तो एक ये जेड माइनस 4 पाई और एक क्या आ जाएगा 4z प्लस का पाई, यानी z का वैल्यू कितना आ गया, एक तो 4 पाई और एक माइनस पाई बाई 4, तो कौन से ऑप्शन में ये आ रहा, ये रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 चला आ जाएगा इसका 6th नंबर का करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7th में ऑर्डर्ड पेयर अपने को चेक करना है इन इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करें, तो पहला ऑप्शन क्या है 0, -1, वो पुट करोगे तो 0, -1, +1, <1, less than 0, तो 0 is less than 0, ये तो गलत हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या है -2, +0, +1, <0, यानी ये कितना हो गया -1, <0, तो -1, 0 से छोटा होता है तो ये करेक्ट है, ये तो रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट है। अभी इसको और चेक करना है, तो 2, -4, +1, <0, यानी -2, -1, <0, तो कितना हो गया, ये भी नेगेटिव और 0 से छोटा हो गया, तो ये भी सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, 4th नंबर, बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8th में आ जाते हैं अपन, ए पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, तो एक तो इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए और दूसरी वाई इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, तो कौन सा ग्राफ बनाएंगे, तो एक्स इक्वल टू ए कैसी लाइन है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है एक, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी एक तो लाइन क्या है अपने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये तो हो गई एक्स इक्वल टू ए, दूसरी लाइन क्या है वाई इक्वल टू बी, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन वाई इक्वल टू बी, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना है ए और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा बी, तो ये दोनों लाइन कैसी है इंटरसेक्टिंग एट ए कोमा बी, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9th नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, जब भी दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, यानी पैरेलल लाइन बनेगी तभी तो नो सॉल्यूशन आएंगे, तो अपने को ए वन अपॉन ए टू यानी के अपॉन थ्री इज इक्वल टू 12 अपॉन के और नॉट इक्वल टू के अपॉन के माइनस थ्री, इन दोनों से सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में 36, यानी के का वैल्यू कितना आ गया या तो 6 या फिर माइनस 6, अगर 6 पुट करते हैं इसमें देखो 6/3 यानी 2, 6, 12/6 फिर से 2 और 6 अपॉन में 6-3 यानी फिर से 2, बट ये तो अपने को नॉट इक्वल टू 2 बनाना था, यानी k का वैल्यू 6 तो नहीं हो सकता। अब माइनस 6 पे चेक करेंगे तो ये तो बनेगा -2 और यहां पे कितना बन जाएगा -2, ये तो दोनों बराबर सही अपने को सही आ रहे, और k का वैल्यू -6 पुट करेंगे तो -6 अपॉन -9 यानी कितना आ जाएगा 2/3,
तो ये 2/3 इसका इक्वल नहीं है, यानी के का वैल्यू क्या जाना चाहिए, माइनस का 6। और के का वैल्यू माइनस 6 पुट करेंगे तो ये वाले जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन ये कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस, और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो माइनस 6 वाला ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, 4a - 18b +13c = 0। तो यहाँ से a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18b उधर जाएगा तो प्लस का, 13c उधर जाएगा तो माइनस का, 13c अपॉन में 4। ये तो a का वैल्यू आ गया। फिर इससे a का वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा, 4c, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके और ये माइनस का, 3b अपॉन में 3। अब दोनों a की वैल्यू है तो इक्वेट कर देंगे इन दोनों को, ये लो इक्वेट करते, इक्वेट करते क्या आ गया अपने पास में, 18b माइनस 13c अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 4c माइनस 3b अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 18 × 3 यानी 54b और माइनस का 39c इज इक्वल्स टू 16c माइनस का 12b। सी को इधर लेके आएंगे, सॉरी 39c को उधर ले जाएंगे, 12b को इधर ले आएंगे, तो इधर तो हो जाएगा 66b और उधर कितना आ जाएगा, 55c, यानी 6b इक्वल्स टू 5c। बी का वैल्यू कितना आ गया, 5c अपॉन में 6। ये तो बी का वैल्यू आ गया। अब बी का वैल्यू सी के फॉर्म में लिया है, अब यहाँ से ए का वैल्यू और ले आते हैं सी के फॉर्म में, फिर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे बी का वैल्यू पुट कर दो, इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देते हैं। तो ए का वैल्यू आएगा 18 × 5c/3 6 माइनस 13c अपॉन में कितना आ गया, 4। 6 × 3 = 18, 3 × 5 = 15c माइनस 13c, 15 - 13 यानी 2, 2c/4। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में, c अपॉन 2। देखो a का वैल्यू भी आ गया, b का वैल्यू भी आ गया, किसकी फॉर्म में, c की फॉर्म में। तो a रेशियो b रेशियो निकालना है, यानी a का वैल्यू c/2 रेशियो b का वैल्यू 5c/6 और c का वैल्यू c है ही, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और c से कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ गया, 3:5:6 3:5:6 कौन से ऑप्शन में अपने पास में, ये रहा थर्ड ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास में, कौन सा, 11th नंबर क्वेश्चन। ऑल लीनियर पेयर आर, दो लीनियर पेयर किसको बोला है, दो एंगल अपने पास, ये लीनियर पेयर है, ये एंगल थीटा है, ये 100% पाई 180 माइनस थीटा होगा, तो दोनों के दोनों कैसे सम कितना है, 180, यानी कैसे हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री, संपूरक हो जाएंगे। तो 11th का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन अपने को, इसके अंदर CD और ये AB तो कैसे है, पैरेलल है, तो अपने को Y का वैल्यू निकालना है। अब देखो इस ट्राइंगल में ABC में तीन एंगल है, 2x 3x 4x, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, सम ऑफ एंगल्स 2x + 3x + 4x = 180। तो इधर कितना आ गया, 9x, तो 9x का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में, 180 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 20 डिग्री, x का वैल्यू 20 डिग्री आ गया। अब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गए, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3x, 3 × 20, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन द फिगर शोन AB इज पैरेलल टू ये, पैरेलल है किसके, टू D, देन डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x और y के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब देखो ये वाला z बन रहा है अपने पास में, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, तो x का वैल्यू यहाँ से पता लग गया कितना आ जाएगा, 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स, इनका सम कितना है, 88 डिग्री, तो यहाँ से अपने पास में ये कितना आ जाएगा, 92 डिग्री आ जाएगा x का वैल्यू। तो y कितना आ जाएगा, 180 माइनस x, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो 180 माइनस 92 यानी ये कितना आ गया, 88। y और x दोनों आ गए, इनका डिफरेंस पूछा है, तो 92 माइनस 88 तो कितना डिग्री आ गया, 4 डिग्री। 4 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन द फिगर AB = AC, यानी ये AB और AC, ABC कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, CH और CB, ये CH है और ये CB, ये दोनों इक्वल हो गई, देन द एंगल HCK, अपने को कैलकुलेट करना है ये HCK एंगल। चलो
ये 140 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल भी तो है एच के और बी सी, यानी ये एंगल अगर x है तो ये भी पक्का x होगा, और ये पैरेलल है तो ये भी क्या हो गया, x हो गया। चलो x और x, तो x और x दोनों का सम कितना होगा 140, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो 2x का वैल्यू कितना हो गया अपने पास में 140, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री, x का वैल्यू 70 डिग्री आ गया अपने पास में। तो कैलकुलेट कौन सा है, ये एंगल भी x ही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो x ये हो गया, यानी इस ट्राइंगल के अंदर x ये और ये भी x ये पूरा, अपने को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाई। तो कैसे करेंगे, ये वाला एंगल टोटल हो गया 70, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 70 और ये भी 70 70 70 140, तो ये कितना बच जाएगा 40, और ये पूरा x है, ये वाला एंगल, ये x है तो 70, और 70 में से 40 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा y, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री सेकंड ऑप्शन में। ओके, क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 15 नंबर, एंगल का रेशियो गिवन है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, सॉरी रेशियो का रिलेशन गिवन है अपने को, तो एक ट्राइंगल है उसमें इस तरह से एंगल है, ये एंगल ए, ये बी और ये सी, ए के सामने साइड कौन सी है बी सी, बी के सामने साइड ए सी और सी के सामने साइड ए बी। अब देखो ए सबसे बड़ा सबसे छोटा एंगल है तो सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी, और बी उससे छोटा है तो उसकी साइड सबसे बीच वाली हो जाएगी, और सी सबसे बड़ा एंगल है तो उसके सामने साइड ए बी, तो ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, और फिर ए बी लेस देन बी सी, ए बी तो बी सी से बड़ी है तो ये वाला गलत हो गया, और ए सी इज ग्रेटर देन ए बी तो ये भी गलत हो गया, और ऐसी फोर्थ गलत हो जाए, तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं, एनी टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, देखो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, सिमिलर हो सकते, ये ट्राई स्क्वायर बना लिया मैंने और एक ये स्क्वायर बना लिया, साइड का डिफरेंस अलग है, साइड अलग अलग हो सकती है ना, देयर डायगनल बिल्कुल डायगनल भी निकल होंगे, और देयर एंगल्स आ रहे हैं, स्क्वायर का मतलब ही 90 डिग्री होता है तो सारे एंगल 90 होंगे, ये तो थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है अपना, देयर साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, नहीं ये भी जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 1 एंड रूट 2, देखो 1 और रूट 2 साइड दे रखी है तो थर्ड साइड क्या पॉसिबल हो सकती है, तो ट्राइंगल में पॉसिबिलिटी ये है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने मान लिया ये साइड 1 है ये रूट 2 है, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, तो ये कितना हो गया रूट 3, तो रूट 3 साइड पॉसिबल है यानी थर्ड वाला तो पॉसिबल है। एक तरीका ये है कि ये रूट 2 है ना, इसको मैं मान लो हाइपोटेनस, ये रूट 2 हाइपोटेनस हो गई, ये 1 है, तो थर्ड साइड क्या आनी चाहिए, इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 यानी कितना हो गया 1, तो ये भी पॉसिबल है। एक तीसरा केस ये हो सकता है कि ये 1 वाली तो अपन क्या मान लें हाइपोटेनस और ये रूट 2, ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये थर्ड वाला पॉसिबल नहीं, तो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ये कौन से में जा रहा है फोर्थ में, 17 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल्स टू सी एफ, ए बी यहां से यहां तक की लाइन ये बराबर है, यानी ये ए एफ मानू तो ए एफ भी बराबर हो जाएगी क्योंकि बी एफ दोनों में ऐड हो रही है ना, तो ए एफ और ये बराबर हो गई, और क्या है ये वाली साइड बराबर होगी, फिर क्या बोला है ई एफ इक्वल टू बी डी, ये वाली और ये वाली बराबर है, एंड एंगल ए एफ ई, ए एफ ई ये वाला एंगल और एंगल डी बी सी, डी बी सी ये वाला, देन कॉन्ग्रुएंट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो साइड एंगल साइड दो साइड के बीच का एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा साइड एंगल साइड, तो फर्स्ट ऑप्शन में ये वाला की। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, इफ एक्स इज ए पॉइंट ऑन द लाइन ए बी एंड वाई, ए बी, ए बी एक लाइन है, ये लो ए बी लाइन हो गई, इस पे एक एक्स पॉइंट है ये, अब बोला है कि y एंड z आर पॉइंट आउटसाइड सच दैट एंगल ए एक्स वाई, ये ए एक्स वाई बोल रहा है कि यहां पे मैं y मान लू तो ये कितना है 45 डिग्री, नाउ y x z कोई है वो कितना है 60 डिग्री, तो y x z एक तो ऐसे हो सकता है
जेड पॉइंट यहां पे हो तो ये एंगल कितना आ जाए 60 डिग्री। ये तो केस वन मान लेते हैं। और एक ये हो सकता है कि जेड इधर हो जाए तो ये जेड सेकंड केस में हो जाएगा, तो ये इतना एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। ये 45 ऑलरेडी है तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब ये 15 डिग्री अपने को पूछा कौन सा एंगल है, बी एक्स जेड। बी एक्स जेड अगर इसको सही माने तो बी एक्स जेड ये वाला एंगल हो गया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60 और 45 ऐड होकर कितना होगा 105, यानी 75 डिग्री हो सकता है। तो फर्स्ट केस के हिसाब से तो कितना हो सकता है 75, और इसको माने अपन तो ये कितना हो गया 15, और ये 180 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 165। ये किस केस के अकॉर्डिंग हो सकता है, सेकंड के। तो कौन सा ऑप्शन में है अपने पास में 75 मिल रहा है, एक तो एक ही मिल रहा है 165 है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ऐसा कोई सर्कल है, उसकी रेडियस तो है कितनी 13 सेंटीमीटर, ये सेंटर मान लेते हैं अपन रेडी, और एक कॉर्ड है, ये 13 बोल रहे हैं और एक कॉर्ड है तो इसको मिड पॉइंट में मैच करा दिया मैंने। ये इसकी लेंथ कितनी है 10, तो ये 5 इधर आ जाएगी और 5 ही इधर आ जाएगी। अब देखो द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द, ये वाली डिस्टेंस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अपने को पता है 5, 12 और 13 क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये वाली ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो 12 कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 21 द लीस्ट नंबर ऑफ नॉन कॉलिनियर पॉइंट रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू देम। देखो सिंगल सर्कल बनाने के लिए अगर एक पॉइंट हो तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट जाएंगे, दो पॉइंट से भी इनफाइनाइट होते हैं, और तीन पॉइंट से पक्का एक सिंगल, अगर वो नॉन कॉलिनियर हो तो पक्का एक सर्कल पास होगा, और चार होंगे तो जरूरी नहीं है चारों से पास हो भी सकता है बट कंफर्म नहीं हो सकता। तो मिनिमम कितने न्यून पॉइंट चाहिए अपने को नॉन कॉलिनियर, 3 चाहिए। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 22 इन द गिवन फिगर एओपी, एओपी ये 75 है और AOB ये वाला 120, then what is the value of angle AQP, AQP ये वाला एंगल चाहिए। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं अलग से, इसको एक बार के लिए छोड़ दें। एक तो मैंने बनाया O A P, ये O हो गया, ये 75 है, और एक यहां पे ऐसे बना। देखो एक कोड है अपने पास में एपी, जो इस पे सेंटर पे तो एंगल बना रही है 75, और इस पे कुछ एंगल बना रही होगी क्यू पॉइंट पे, कितना बना रही है, इसका हाफ बनाएगी तो एंगल ए क्यू पी कितना हो जाएगा 75 अपॉन में 2, यानी 37.5 डिग्री। 37.5 कौन सा है, ये वाला सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। Two circles intersect at A and B quadrilaterals, PCB and ADB are inscribed in these circles such that, ये line segment है पूरे के पूरे, मतलब ये कट कर रहे हैं ना वहां पे, एंगल P ये 95, ये 95 देखो PABC ये कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, तो इसके सामने वाला ये एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 85, क्योंकि दोनों का सम कितना चाहिए अपने को 180, तो ये हो गया 85, तो ये वाला एंगल हो गया 85। अब अपने को पता है सी बी डी कैसा है, लाइन सेगमेंट है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 में से माइनस करते आ जाएगा, लीनियर पेयर बनेंगे, तो ये 85 है, ये पक्का 95 होगा। अब इस सर्कल के अंदर देखो, इस वाले सर्कल में ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जेड क्या होगा इस 95 के अपोजिट एंगल, तो जेड कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, तो मीन्स 85, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 85 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या जाएगा, करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इन द गिवन फिगर कोर्ड्स ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ बी सी इफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये वाला भी तो अपने पास में 5 सेंटीमीटर ही होगी ओ ए, तो मैं इसको तो मान लेता हूँ एक्स, और ये कितनी हो जाएगी 5 माइनस एक्स, दो ट्राइंगल बन गए अपने पास में, और इस लेंथ को मान लिया वाई, दो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो बन गया सी ओ डी और दूसरा सी डी ए। सी ओ डी में अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ये क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस
5 minus x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर यानी 25। और दूसरे ट्राइंगल सी डी ए में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। क्यों? सी ए कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को माइनस करेंगे, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36 माइनस 25। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप बन गया ये, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी एक्स में से 5 माइनस एक्स माइनस करोगे तब तो आएगा 2 एक्स माइनस 5। और दूसरा x और 5 माइनस एक्स को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5। और ये कितना आ गया इधर से? 11। यानी 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 11 बाई 5 और प्लस में 5, 25 और 11 कितना हो गया? 36। यानी x का वैल्यू तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 18 अपॉन में 5। x का वैल्यू 18 अपॉन 5 आ गया, तो इसमें पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 18 अपॉन 5। 18 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 36 माइनस 18 बाई 5 इंटू 18 बाई 5। 36 कॉमन लोगे तो उधर कितना बचेगा? 16 अपॉन 25। 16 अपॉन 25 बचेगा, नहीं 9 अपॉन 25। तो ये वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में? 36 1 माइनस 9 अपॉन 25। 1 माइनस 9 अपॉन 25 कितना बनता है? 16 अपॉन 25। तो y स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 36 इंटू 16 अपॉन में 25, यानी कितना आ जाएगा? इसका रूट लोगे तो 36 का रूट तो 6 आएगा, और इसका रूट कितना आ जाएगा? 4 और नीचे 5, y का वैल्यू ये आ गया। तो ये 24 अपॉन में 5 y का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 आएगा, नहीं 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर सेकंड ऑप्शन, 24 का सेकंड ऑप्शन। अब आ जाते हैं 25 पर। पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट टू ए सर्कल एंड क्यू एस इज ए डायमीटर। देखो एक सर्कल है, एक तो बोल रहा है पी क्यू, ये पी मान लो, पी क्यू और पी आर ये तो हो गई टेंजेंट इसकी, और एक बोल रहा है QS क्या है? डायमीटर। तो ऐसा कुछ पॉइंट होगा यहाँ पे, S पॉइंट होगा, ये डायमीटर है। अब इसने बोला है कि एंगल QPR, QPR, QPR एंगल ये हो गया QPR, और RQS, RQS, RQS कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, इसमें और इसमें, ये तो मान लेते हैं X और ये मान लेते हैं Y, इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है अपने को। देखो अगर मैं इसको मिला दूँ तब क्या बन गया? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनता है, इसको सेंटर माने दो, तो ये वाई है, तो ये पक्का 180 माइनस वाई बन गया, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्योंकि ओ क्यू और ओ आर बराबर है, तो ये भी क्या हो गया? एक्स। यानी कि 2x प्लस 180 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 180। यानी वाई का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में? 2x। और वाई किसको लिए है अपन ने? एंगल QPR, और x किसको लिए है? एंगल RQS। अब देख लो इसमें कौन सा सही है। एंगल QPR इक्वल टू 2 टाइम एंगल RQS, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड ऑप्शन। और इसके साथ ही अपने 25 क्वेश्चन 9th के सेक्शन, मैथ सेक्शन के कंप्लीट होते हैं। होप योर पेपर विल बी गुड। हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नीलेश प्लानिया, मैथ फैकल्टी, सीएलसी सीकर। आज हम टेक्नो के थर्ड एंड फोर्थ फेज का वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। 26 क्वेश्चन है, एच ए टी इज कोडेड एज जे सी वी। तो यहाँ से 8 + 2 + 10 + 2 + 2 मतलब प्लस टू का सीरीज बन रहा है, तो व्हाट विल बी गन विल बी कोडेड एज? तो +2 + 2 + 2 आई डब्ल्यू पी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीयर्स इज रिटन एज U G D V X, means +1 + 2 + 3 + 18 + 4 = 22 + 5 = 24, मतलब +1 + 2। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यही तो होगा ना, तो लास्ट में J होगा, तो ये दो ऑप्शन तो डिलीट हो गए।
और 16 पे मतलब जे पी और ये एल, 9 और 3 एल, और ये 15 और ये एस और टी, ये वाला ऑप्शन होगा टी ओ एल पी जे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। इफ ई इज इक्वल टू 5, मतलब ई का प्लेस वैल्यू है, तो ये 18, 5, 1 और 4, ऐसा है तो नंबर बनाना 4 और 1, 5, 5, 5, 5, 10, 10 हो गया, और ये 18, मतलब 28, अब 28 को कन्वर्ट करना है, तो 4 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, ये 4 कहाँ से आया, मतलब ई का प्लेस वैल्यू था 1, लेटर है 1 तो इक्वल टू 5 आ गया, इसका रहा 28 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 7 आ गया, देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ डियर, मतलब 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 18, यही तो ना, और डिवाइड करना है इसके डिजिट से, तो कितने डिजिट है 4, तो 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और ये 22, 28 सेम आ रहा है, तो आंसर भी क्या जाएगा सेम 7, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, S इज R's मदर, S इज R's मदर, T इज P's फादर, T इज P's फादर, फादर है तो प्लस ये लो। Which of the following statement cannot be definitely true? कौन सा इनमें से definitely true? T is Q's father. T is Q's father. तो ये तो definitely true है. S is P's mother. S is P's mother. ये भी definitely true है. Q is T's son. Q is T's son. इसका confirmation नहीं है. P is S's son. P is S's son. तो ये भी definitely. तो answer कौन सा बन जाएगा? Option number 4th is the right answer. A man pointing to a photograph says. A man pointing to a photograph says the lady in the photograph, the lady is in the photograph is my nephew's maternal grandmother, जो photograph के अंदर जो lady है is my nephew's maternal grandmother, तो इसकी nephew consider कर लें, इसका जो भाई है वो, या फिर इसकी बहन को consider करते हैं, इसकी बहन का जो बेटा होगा वो नेफ्यू होगा, और इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर कौन होगी, मैन की मदर होगी, देन हाउ इज द लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन्स सिस्टर हु हैज नो अदर सिस्टर, मतलब उसकी और कोई दूसरी बहन नहीं है, तो वो इसकी आंसर क्या रह जाएगा कि हाउ इज द लेडी, तो लेडी तो क्या हो जाएगी, मदर ही तो होगी ना, एक आदमी एक तस्वीर की ओर, जैसे ये वाला जो फोटो था इसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि तस्वीर में दिख रही महिला जो है वो मेरे भतीजे की नानी है, तस्वीर में दिख रही महिला उस आदमी से किस आदमी की बहन से कैसे संबंधित है, उस आदमी की बहन से कैसे संबंधित है, मतलब मदर की तरह, और अगर मैं इसके मैन वाला वो कंडीशन सेकेंड वाला कंडीशन लेता कि मैन का ब्रदर होता और उसका बेटा होता और इसकी वो नानी होती, मतलब सीधी सी बात है कि हमारे पास इस मैटरनल ग्रैंड मदर तो यही बनती है, हमारे पास कंडीशन में तो मैटरनल ग्रैंड मदर तो यही बनती, अब इसके मैन की कोई जो सिस्टर होती उससे तो उसका कोई रिलेशन नहीं बनता, तो आंसर हो जाएगा मदर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इफ ए डॉलर बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, एट द रेट बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, A has B means A is the daughter of B and A and B means A is the father of B. Then which of the following expression indicates the relation K is father-in-law of H? मतलब K का जो है वो father-in-law of H होना चाहिए, ये तो है ना, तो अब लोग हम लोग options के according ही solve करेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले at the rate का mean क्या है, यहाँ से first wife है, डॉलर का मीन क्या है फर्स्ट ब्रदर, हैश का मीन क्या है यहां से हमारे पास फर्स्ट डॉटर, और एंड का मीन क्या है फर्स्ट फादर, अब अगर इसका देखें यहां से तो पहला बना एच इज द वाइफ ऑफ जे एंड जे इज द ब्रदर ऑफ एल और एल इज द डॉटर ऑफ पी, एल इज द डॉटर ऑफ पी एंड पी इज द फादर ऑफ के, तो ऐसे ही तो बना, तो हमें क्या दिखाना है कि K is the father in law of H, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ, सेकंड ऑप्शन में at the rate का वही है wife, फिर डॉलर का है brother, फिर एंड का है father और has का है daughter, ऐसा ही कुछ बना,
मतलब एच इज द वाइफ ऑफ जे एंड जे इज द ब्रदर ऑफ पी एंड पी इज द फादर ऑफ एल एंड एल इज द डॉटर ऑफ के. तो ये भी सेम जनरेशन में आ गया, आंसर नहीं बना. फिर एट द रेट का मीन अगेन वाइफ हो गया, फिर एंड का मीन ब्रदर हो गया, हैज का मीन डॉटर है, और इस एंड का मीन हो जाएगा यहाँ से फादर. तो ये वाला तो कंडीशन जो बनेगा वो है कि एच वाइफ है किसकी, जे की, जे ब्रदर है किसका, डी एल का, सॉरी एल का, और एल डॉटर है किसकी, के की, और के फादर है किसका, पी का. अब हमारे पास के इज द फादर इन लॉ ऑफ एच होना चाहिए. हमारे पास जो कंडीशन बननी है वो क्या होनी चाहिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट द रिलेशन ऑफ के इज द फादर इन लॉ ऑफ एच. के इज द फादर इन लॉ ऑफ एच, ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है. एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड को इस हिंदी मीडियम लैंग्वेज से. सबसे पहले हमारे पास जो एट द रेट है, एट द रेट का मीन क्या है, फर्स्ट वाइफ, ए इज द वाइफ ऑफ बी. तो यह है एच इज द वाइफ ऑफ जे. और एंड का मीन क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब जे इज द ब्रदर ऑफ एल. फिर एल हैज के, हैज का मीन है कि एल इज द डॉटर ऑफ, एल इज द डॉटर ऑफ के, एल इज द डॉटर ऑफ के. और नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है के एंड पी, के एंड पी, इसका एंड का मीन क्या है, के इज द फादर ऑफ पी. तो के इज द फादर ऑफ पी. तो भाई यहां से पूछा है कि के संबंध में के जो है वो एच का ससुर, तो एच का ससुर तो यहां से ऑप्शन नंबर थर्ड में आ रहा है. तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर. इफ द नंबर ऑफ द डॉट्स इज थ्री इज ऑन टॉप, देन हाउ मेनी विल बी द बॉटम्स. मतलब थ्री जो है वो टॉप पर है, तो ये थ्री वाला टॉप पर रह जाएगा. तो यहां से 2, 1, 5 और ये 2, 6, 3, यही तो बनाना है यहां से. तो 5 इज ऑन टॉप. एक बार चेक कर लेते हैं, 2, 1, 2, 1, 5 और ये 2, 6, 3. तो 5 का इफ नंबर 3 इज ऑन टॉप, तो 5 इज ऑन, 3 अगर टॉप पे है तो 5 बॉटम पे हो जाएगा. इफ द बॉटम ऑफ द डाइस ऑन टू डॉट्स व्हेन देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ डॉट ऑन टॉप. मतलब दो डॉट का अपोजिट बताना है इसमें. तो सीधी सी बात यहां से है कि 1, 3, 5 ये बना, 1, 2, 4 ये बना. तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 3. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. चूज द वर्ड विच ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. आचार्य कृपलानी, सीवी रमन, राज गोपालचारी, राधा कृष्ण. आचार्य कृपलानी को छोड़कर सब अवॉर्डी है, अर्जुन अवॉर्डी. नेक्स्ट, चूज द पेयर इन विच द वर्ड वॉज डिफरेंटली रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट. मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ईस्ट और फंगी थोड़ा अलग है, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. चूज द ऑड एंड आउट. तो यहाँ से है प्लस टू, ये भी प्लस टू है, प्लस टू है, प्लस टू है, 11 और 2, 13, 14 और 16 है, ये प्लस 3 हो गया. तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर. इन अ रो ऑफ 60%, गणेश इज 26th फ्रॉम लेफ्ट. तो इसका इधर से पोजीशन निकालना है, तो 26 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 60, ऐसा ही तो होगा ना. तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 लेस कर देंगे, तो 10 में से 5, 5 में से 2 कैंसिल हुआ 3, तो 35. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द डिजिट आर देयर इन द नंबर 4, 2, 1, 5, 7, 9, 3, 6, 8 ऑफ विच हैज many digits between them in the number as when they are arranged in ascending order. मतलब है 4, 2, 1, 5, 7, 9, 3, 6, 8, ये जो letter pairs होते हैं वैसे ही numbers pair वाला है. तो यहाँ से अगर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 की बात करें, तो सबसे पहले तो according to my opinion यही हो जाएगा ना, 12, इसमें भी वैसे ही letter है. फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ से 16 हो जाएगा और 49 हो जाएगा. तो ये वाले लेटर्स हमारे पास कितने रहे, 3. तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर. अ पर्सन इज आस्क्ड टू पुट अ बास्केट वन एप्पल व्हेन ऑर्डर्ड वन. मतलब वन एप्पल व्हेन ऑर्डर्ड वन, वन गवावा व्हेन ऑर्डर्ड टू,
और वन ऑरेंज व्हेन ऑर्डर्ड थ्री एंड वन एप्पल एंड वन गवावा बोथ व्हेन ऑर्डर्ड फोर, मतलब वन एप्पल एंड गवावा व्हेन ऑर्डर्ड फोर देन ऑर्डर फोर देन सीक्वेंस एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन एज एज फॉलोज. तो ये वाला हमें दिया हुआ है, तो इसमें से सबसे पहले बात है कि हमें क्या पूछे, हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर बास्केट एट द एंड ऑफ द अबव ऑर्डर सीक्वेंस. तो एक तो वन और फोर को कैच करना है, तो ये है हमारे पास वन, ये फोर, वन फोर वन फोर वन वन फोर, यही तो है ना. तो वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो आंसर हो जाएगा टेन. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर. बट ऐसा क्वेश्चन एक दूसरा भी था जिसके अंदर मतलब वो आउट वाली कंडीशंस भी बनाता है, तो वो वाली थोड़ा सा ध्यान रखना. स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स जयंत वॉक 15 टुवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न लेफ्ट, और यहाँ से वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक का डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर. ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक का डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर. After this, he turned his right and walked a distance of 12 meter. How far and in which direction is now Jayant from X? तो ये हो जाएगा 20 और ये तो 32 डिस्टेंस आ गया, और from X मतलब साउथ में. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर. ओके, थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 9 फिजिक्स सेक्शन क्वेश्चन 41 से सोल्व करते हैं. मेरा नाम नरेंद्र कुमार, टीम फिजिक्स सीएलसी. क्वेश्चन 41, व्हाट डज द ओडोमीटर मेजर इन ए व्हीकल, कि एक वाहन में ओडोमीटर क्या मापता है. तो ओडोमीटर मेजर करता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस यानी ऑप्शन 2. एक वाहन में ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, और डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, यानी एक वस्तु के द्वारा तय किए गए पाथ की लंबाई है, वो होती है दूरी यानी डिस्टेंस. तो ऑप्शन 1 करेक्ट आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस ए रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन. रिटार्डेशन मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम. तो यहां से एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इफ कार स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकंड, मीन्स टाइम कितना लगा, 5 सेकंड, देन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. कार स्टॉप्स मीन्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज 0, और इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Means v equal to u plus at. Final velocity 0, initial velocity हमें calculate करनी है, plus acceleration -6 into time 5. तो 0 equal to u minus 30. ये calculate करेंगे तो अपने पास होगा इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड. तो अपने पास आ जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट. वी जस्ट हैव टू अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति का पहला समीकरण अप्लाई करें, हमें ऑल द रिक्वायर्ड डाटा आर प्रोवाइडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस विद ए स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. यानी किसी दूरी को ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है, और वापस आते समय स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा. मीन्स इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल हो रही है. एंड वहन
व्हेन इक्वल डिस्टेंसेज आर ट्रेवल्ड विद डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, फिर अपन एवरेज वेलोसिटी जो कैलकुलेट करते हैं, ये अपने पास एक नॉर्मल एक सा एक फॉर्मूला होता है साधारण सा, एस वन प्लस एस टू। तो अपने पास एस वन और एस टू बोथ स्पीड्स आर गिवन टू एस, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। टू एस वन अपने को गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, एस टू गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर, देन 30 प्लस 50, ये कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास फाइनल आएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपने पास आ जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर टू। आई होप आप सभी ने करेक्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ए बुलेट फायर्ड इनटू ए वुडन ब्लॉक लूजेज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। सपोज करिए कि ये आपका वुडन ब्लॉक है, ठीक है, कोई यू वेलोसिटी से कोई बुलेट आ रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट यू, जिस वेलोसिटी से बुलेट यहां पर एंटर करते हो वेलोसिटी है यू। मैं मान लूं कि ये कोई डिस्टेंस कवर करने के बाद, ये मैं मान लूं कि है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है 1 mm, अब देखिए ए से बी तक 1 mm वुडन ब्लॉक में पेनेट्रेट करने पर इसकी वेलोसिटी होती है हाफ, तो इसकी वेलोसिटी यहां पर हो गई यू बाय टू। तो यहां आते आते इसकी वेलोसिटी हो गई U by 2। अब इसका कहना है कि ये रेस्ट में आने से पहले कितनी डिस्टेंस और ट्रेवल करेगी। मैं मान लू कि यहां पर आते आते ब्लॉक में रेस्ट पर आ गई, और ये मान लू यहां आने पर इसे DMM यहां आते आते कि इसने DMM डिस्टेंस और कवर की, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां पर वेलोसिटी हो गई है जीरो, यानी रेस्ट में आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये डिस्टेंस डी कितनी है। अब देखिए अपने पास है एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनली बॉडी ने स्टॉप होना है। अब देखिए बात करते हैं अपन a से c की, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी मैं मान लू कि u1 इक्वल टू है आपके पास u, फाइनल वेलोसिटी v1 कह दूं तो फाइनल वेलोसिटी है जीरो, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड s1 कहूं तो वो है 1 प्लस d। सेकेंड में बात करूं अगर बी टू सी, बी से सी में तो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो है आपके पास u बाय टू, फाइनल वेलोसिटी है वही जीरो, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो है आपके पास डी एम एम।
ये अपने पास टोटल सेट है जो गिवन प्रोवाइडेड है। अब अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करूं, जो वुडन ब्लॉक है इट विल प्रोवाइड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन टू द ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स इंटायर मोशन, यानी पूरी गति के दौरान एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट, फाइनली ए टू सी या बी टू सी बॉडी इज कमिंग टू रेस्ट, तो v इक्वल टू आ जाएगा 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। ये हम जानते हैं एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, क्यों ब्लॉक है वो बुलेट की स्पीड को रिड्यूस करेगा, यानी इट विल रिटार्ड द मोशन। तो ये करें तो अपने पास आएगा 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 ए एस, मीन्स 2 ए एस इक्वल टू यू स्क्वायर। अब ब्लॉक है, यूनिफॉर्म ब्लॉक है, इट विल प्रोवाइड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन, दिस मींस एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब अप्लाई कर दें, दिस मींस एस टू बाय एस वन इक्वल टू यू टू स्क्वायर बाय यू वन स्क्वायर। तो एस टू हमें कैलकुलेट करना है जो जीवन है डी, एस वन अपने को जीवन है 1 प्लस डी इक्वल टू यू टू है, यू टू हमें जीवन है यू बाय टू और यू वन इक्वल टू यू स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको सोल्व करें देन डी बाय 1 प्लस डी इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय 4 और इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो अपने पास आएगा डी इक्वल टू 1 बाय 3। तो d इक्वल टू 1 बाय 3। अब देखिए यहां पर अपने को जीवन है 1 mm, तो d आ जाएगा फाइनली 1 बाय 3 और 1 बाय 3 तो इट विल बी ऑप्शन आ जाएगा अपने पास 1 बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं तो ऑप्शन होगा करेक्ट d 1 बाय 3। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डी की वैल्यू आ गई अपने पास 1 बाय 3। नेक्स्ट, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो रॉकेट है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर वर्क करता है। जब कोई रॉकेट के अंदर फ्यूल है, फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होने के बाद एग्जॉस्ट गैसेज की फॉर्म में जो रॉकेट उसकी टेल नोजल से एग्जिट करता है और इट विल प्रोवाइड एन अपथ्रस्ट टू द रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो मोमेंटम ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज विल बी बैलेंस्ड बाय द मोमेंटम ऑफ रॉकेट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर यह वर्क करता है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल के ऊपर। नेक्स्ट मूव करते हैं, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहां पर जो गन बुलेट सिस्टम है, हम जानते हैं कि गन बुलेट सिस्टम है वो वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और जब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर वर्क करता है मींस मास ऑफ गन इनटू
वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू नेगेटिव, क्यों? बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है एंड गन विल मूव इन बैकवर्ड, इनटू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ गन हमें गिवन है 10 kg, इनटू वेलोसिटी ऑफ गन वी हैव टू कैलकुलेट माइनस मास ऑफ बुलेट इज गिवन टू 50, बट इट इज गिवन इन ग्राम, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं केजी के अंदर। केजी के अंदर कन्वर्ट करें तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर लें, इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज गिवन टू 100 m/s। अगर इसे सोल्व किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ गन हमें मिलेगी -0.5 m/s, लेकिन माइनस साइन है वो इंडिकेट करता है कि गन विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट। तो ये अपने से पूछा रिकॉइल वेलोसिटी, तो रिकॉइल वेलोसिटी मीन्स बंदूक के पीछे आने का वेग, मीन्स डायरेक्शन ऑलरेडी हैज गिवन टू एस, सो मैग्नीट्यूड इज 0.5 m/s, तो अपने पास आ जाएगा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.5 kg स्ट्राइक्स ए बैट नॉर्मली विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 m/s। देखिए ये मान लीजिए कि कोई बैट है, ठीक है, कोई बॉल है वो इधर हिट कर रही है बैट को आकर, इसकी जो मास है बॉल का वो आपको गिवन है 0.5 kg। और ये इधर की तरफ इसकी इनिशियल वेलोसिटी मूविंग टुवार्ड्स द बैट है 30 m/s। अब एंड रिबाउंड नॉर्मली, तो रिबाउंड अलोंग द नॉर्मल ही वापस है 20 m/s से वापस बॉल मूव कर रही है। अब अपने से पूछा इंपल्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन बैट, कि इंपल्स क्या होगा। इंपल्स मींस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। अब यहां से कैलकुलेट करें चेंज इन मोमेंटम, तो मैं एक डायरेक्शन मोमेंटम की बात करें तो इंपल्स क्या होता है, अगर न्यूमेरिकल बात करें इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, और चेंज इन मोमेंटम मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास ऑफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इनटू मास इन फाइनल मोमेंटम, अपने पास क्या होगा एम वी फाइनल माइनस इनिशियल इनिशियल, तो मैं एम को कॉमन ले लूं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज वी हैव टेकन दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, देन इनिशियल वेलोसिटी अपने पास वी आई है,
वो क्या है, देन ओपोजिट डायरेक्शन में, तो ये अपने पास आ जाएगी माइनस 30 मीटर पर सेकंड, एंड फाइनल वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ अज्यूम्ड डायरेक्शन की अलोंग है, तो इट विल बी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये अपने पास आ जाएगा, मास हमें गिवन है 0.5, फाइनल वेलोसिटी है अपने पास 20 माइनस इनिशियल माइनस 30। अगर इसको सोल्व किया जाए 0.5 इंटू 20 माइनस और माइनस प्लस 30, तो ये अपने पास आएगा 25। और यूनिट होती है इंपल्स की न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड। तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, आई होप यू हैव डन इट करेक्टली। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज बी डबल्ड देन ग्रेविटेशन फोर्स। सपोज करिए कि ये अपने पास दो मास हैं, ये है मास एम वन और ये है अनदर मास एम टू। ये सपोज करिए कि अपने को गिवन है डिस्टेंस आर, ये है मास एम टू। टू ऑब्जेक्ट है जिनका मास एम वन और एम टू है, उनके बीच की डिस्टेंस आर है, तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनके बीच जो फोर्स होगा ग्रेविटी फोर्स एफ, वो क्या होता है g m1 m2 upon r square। अब देखिए हमें कहा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज इज डबल्ड, मींस नाउ डिस्टेंस r है वो डबल कर दी गई है। अगर डिस्टेंस है वो डबल कर दी गई है, तो सपोज करिए ये मास m1 है एंड दिस इज मास ये मास m2 है, और अपने को इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई है डबल 2r। तो यहां पर मैं मान लूं कि यहां पर तो जो फोर्स था वो था f, यहां पर मैं मान लूं कि फोर्स है वो है f डैश, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो सेम होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये तो अपने पास, और मैं बात करूं एफ डैश जो होगा बाय सेम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी एम वन एम टू अपॉन आर है, तो डिस्टेंस यहां पर क्या है 2r, तो 2r का स्क्वायर। So, F डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा जी एम वन एम टू बाय 4r स्क्वायर। तो यहां से मैं बात करूं F डैश 1/4 है, कॉमन फैक्टर बाहर ले लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा आपके पास जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर अपने पास क्या है फोर्स, इनिशियल फोर्स था दोनों मासेज के बीच जब इनके बीच की डिस्टेंस आर थी। तो एफ डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैं पुट कर दूं 1/4 इंटू एफ, सो एफ डैश हमें मिला एफ बाय 4, और f by 4 means 1/4 times हो जाएगा उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल।
तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा 1/4 गुणा। आई होप आप सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 150 मीटर हाइट। देखिए सपोज करिए कि ये कोई टावर है, यहां से किसी बॉल को ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या होगी? जीरो, और बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। सेकंड बॉल है उसको बॉटम ऑफ टावर से अपवर्ड थ्रो किया है, ये लीजिए बॉटम ऑफ टावर से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद बॉल मिलेंगी। मैं सपोज करूं आफ्टर टाइम टी बॉल मिल रही हैं, तो सपोज को टी टाइम के बाद बॉल वन है वो यहां आ जाएगी। मैं मान लू कि बॉल वन है यहां, ये है बॉल वन, तो इनिशियल वेलोसिटी यू वन, और यहां से मान लिया जाए कि बॉल है टू, और ये मैं कह दूं कि बॉल टू है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू टू। अब टी टाइम इसको यहां से यहां तक आने में लगा, और ये यहां तक टी टाइम में, मैं मान लू कि टी टाइम में इन्होंने हाइट एच ट्रेवल की, तो टोटल हाइट अपने पास है 150 मीटर, तो ये हाइट कितनी होगी? 150 माइनस एच, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी वन है, इसी की डायरेक्शन में अपने लग रही है ग्रेविटी, ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल वन, और यहां पर बॉल टू है इसके ग्रेविटी लग रही है ओपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए मैं बात करूं कि कितने टाइम के बाद मिलेंगी, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बात करते हैं, बाय जो होता है कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बॉल वन है वो डिस्टेंस कितने कवर कर रही है? एच इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है जी और टाइम है टी, तो यहां से हमें एच इक्वल टू क्या मिला? हाफ जी टी स्क्वायर। अब बात करूं मैं बॉल टू के लिए, ये तो अपन बात कर रहे थे बॉल वन के लिए, अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ बॉल टू के लिए बात करूं मैं, अगेन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बॉल टू है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वर्टिकली? 150 माइनस एच, और 150 माइनस एच है इनिशियल वेलोसिटी है 50 इंटू टी प्लस 1/2। अब देखिए बॉडी वर्टिकली अप डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉल टू, और ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, तो हम एक्सेलरेशन लेंगे यहां पर, इट विल बिहेव एज रिटार्डेशन जी और टाइम टी का स्क्वायर। चलिए अब बात करते हैं आगे, तो 150 माइनस एच की वैल्यू क्या? हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू है 50 इंटू टी, और ये क्या आ जाएगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
अब अपन जानते हैं कि ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दें तो मिला 150 इक्वल टू 50 इंटू टी, तो अपने पास आ जाएगा टाइम इक्वल टू 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड के बाद दोनों बॉल एक दूसरे से मिलेंगी, तो ये आएगा 3 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सपोज फ्रेंड्स ये अपने दो मेटेलिक स्फेयर है, ईच हैव रेडियस आर, दोनों की रेडियस है आर, इनकी भी रेडियस है आर, तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ आर। अब आपसे पूछा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, सपोज करो कि बोथ हैव इक्वल मास एम, इक्वल रेडियस एंड इक्वल डेंसिटीज, रेडियस इक्वल है। अब मैं बात करूं कि डेंसिटी सपोज करो रो है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास है एम देन वॉल्यूम, क्योंकि मेटल स्फेयर मींस बॉडी इज स्फेरिकल एंड फॉर स्फेरिकल बॉडी वॉल्यूम इज 4/3 πr³, देन वी कैन से मास एम विल बी रो टाइम्स ऑफ 4/3 πr³। ये एक मेटेलिक स्फेयर की का मास हमें मिल जाएगा। अब बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम फोर्स कैलकुलेट करें, फोर्स अप्लाइड बाय वन मेटेलिक स्फेयर ऑन अनदर, तो ये अपने पास आ जाएगा एफ इक्वल टू जी मास एम इंटू मास ऑफ अनदर इज ऑल्सो अनदर स्फेयर एम एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 2r, तो ये हमें मिलेगा जी एम स्क्वायर बाय 4r²। अब इसके अंदर मास ऑफ स्फेयर है, इसकी वैल्यू को अगर हम पुट कर दें, देखिए फोर्स एफ इक्वल टू जी बाय 4r² इंटू एम की जगह पुट कर दें रो इंटू 4/3 πr³ का कंप्लीट स्क्वायर। अब इसको सोल्व करें f इक्वल टू, तो ये हमें मिल जाएगा 4/9 πr² जी रो स्क्वायर इंटू r⁴। तो यहां से अपन बात करें फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मेटेलिक स्फेयर एफ, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th power of radius ऑफ ए स्फेयर, तो ये अपने को मिलेगा, हम मास है उसको डायरेक्टली यहां पुट कर देंगे, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है एंड इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। सो आई होप आप सभी ने अच्छे से पेपर दिया होगा एंड यू हैव डन मोस्ट ऑफ पेपर्स विद मोस्ट नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, सो थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है टेक्नो पेपर का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन इज, कार्बन है, क्या हो सकता है कार्बन, एक मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल और नॉन ऑफ दीज। जब हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल सीरीज में आता है, कार्बन का क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब ए धातु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर, कौन सी नेचर, समांगी प्रकृति की बात कर रहा अगला, होमोजीनियस नेचर, देखो मेल्टिंग आइस है, वुड है, सोइल है और एयर, वुड, सोइल और
एयर। अब देखो चारों ऑप्शन में से अगर हम देखते हैं तो अपने को होमोजीनियस नेचर की मिलती है एयर। एयर एक होमोजीनियस नेचर है जिसमें बहुत सारी गैसों का मिक्सर है, होमोजीनियस मिक्सर है बहुत सारी गैसों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रास इज ए मिक्सर। देखो ब्रास क्या है, पीतल। पीतल एक एलोय है, धातु की जो मोर देन टू धातु मिक्स कर दी जाती है तो एलोय का फॉर्मेशन होता है। तो हम ब्रास की जब हम बात करते हैं तो कॉपर और जिंक, जिंक और कॉपर जब आपस में मिक्स कर देते हैं तो ब्रास का फॉर्मेशन होता है, किसका, पीतल का निर्माण होता है। कॉपर और जिंक के मिश्रण से क्या बनेगा, पीतल, ब्रास। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, थर्ड राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट, द एटॉमिक सिंबल ऑफ आयरन। आयरन का एटॉमिक सिंबल देखना है, प्रतीक क्या होता है आयरन का। तो आयरन का एटॉमिक सिंबल आप आराम से पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो, Fe होता है। क्या होता है, Fe। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ एटम एंड इट्स एटॉमिक सिंबल। अगला बोल रहा है करेक्ट पेयर किसके, एटम के और उसके एटॉमिक सिंबल के। अगला, परमाणु और परमाणु का प्रतीक जिसका सही उगम है अपने से, वो जानकारी अगला चाह रहा है। देखो पहला है सल्फर, आपको पता है सल्फर का एटॉमिक सिंबल होता है S, तो गलत हो गया। ठीक, अपने को पता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक सिंबल होता है P, राइट। पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक सिंबल P ना होकर क्या होता है, के। सोडियम का एटॉमिक सिंबल जो S ना होकर क्या होता है, एन ए। तो अपना आंसर कौन सा राइट हो गया, आंसर नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, मास ऑफ 3 मोल ऑफ NaOH इन ग्राम। 3 मोल NaOH का अगला मास चाह रहा है किसमें, ग्राम में भार चाह रहा है। आप देखो NaOH का मोलिकुलर वेट जब हम कैलकुलेट करते हैं, NaOH आपको पता है Na का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 23, 16 और 1 इक्वल टू आता है 40 ग्राम। ये आता है 1 मोल NaOH का, कितने मोल NaOH का, 1 मोल NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40। अगर हम पूछ रहे हैं अगले क्वेश्चन में अपने को 3 मोल के बारे में पूछ रहा है तो 1 मोल का मास है 40, 3 मोल का कितना हो जाएगा, 40 × 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 ग्राम। देख लो ऑप्शन 120 ग्राम, ये देखो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, इन द न्यूक्लियस, कोई भी एक न्यूक्लियस है, किसी भी एटम की एक न्यूक्लियस, अगला एटम दे रखे, अगले ने क्या दे दिया, नियोन का एटम दे दिया। इन द न्यूक्लियस ऑफ नियोन देर आर, नियोन का क्या दिया है, एटम दिया है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10, और जिसका एटॉमिक वेट कितना है, 20। अब अगला इसके बारे में जो अपने से जानने चाह रहा है वो देखते हैं, 10 प्रोटॉन, बिल्कुल राइट बात है, नियोन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना है, 10, इसीलिए तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना हुआ है, 10, राइट बात। न्यूट्रॉन 20, गलत बात, न्यूट्रॉन क्या होता है, एन इज इक्वल टू होता है ए माइनस जेड। ए कितना दिया हुआ है यहां पर, ये देखो ए है, कितना है 20, जेड कितना है, ये रहा जेड, कितना है 10, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया, 10, आगे वाला गलत हो गया, ठीक है, 10 प्रोटॉन राइट बात बिल्कुल, 20 न्यूट्रॉन बिल्कुल गलत बात है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 10, अच्छा ये सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होंगे, प्रोटॉन के इक्वल होंगे, तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। आगे देखो 10 प्रोटॉन एंड 10 न्यूट्रॉन बिल्कुल राइट बात, प्रोटॉन कितने हैं, 10, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 10, तो अपना आंसर कौन सा आ गया, थर्ड इज राइट आंसर। नियोन का जो एटॉमिक सिंबल अपने को दिया है उसमें 10 ही तो कितने हैं, प्रोटॉन, और 10 ही क्या है, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए न्यूट्रल एटम हैज, एक उदासीन परमाणु क्या क्या रखता है,
हम देखते हैं ऑप्शन में कि क्या क्या रखता है, किस किस के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, राइट बात है भैया। अगर एटम उदासीन है, परमाणु अगर उदासीन है, एटम न्यूट्रल है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करते हैं, न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में होंगे तो एटम कैसा होगा, न्यूट्रल। तो आंसर अपना कौन सा आ गया, फर्स्ट राइट आंसर। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करवाया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है 13 नंबर पर आता है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होता है। तो देखो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 3, तो 2@3, देखो ऐसा ऑप्शन एल्यूमिनियम 2@3। तो पी में कौन है, फोर्थ। देखो पी में 1 गलत हो गया, पी में 1 गलत हो गया, पी में 3 गलत हो गया, अनलॉजी एक में ही है पी में 4, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ। आगे देख लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक सिंबल है 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 8 और तीसरी सेल में 2, 2@2 2@2, देखो ये पड़ा। तीसरा कैल्शियम 2@1 पहला, क्लोरीन 2@7, तो ऑप्शन अपना कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। एक बार फिर क्वेश्चन कौन सा आ गया, कॉलम मैच का आ गया। तो देखते हैं कॉलम मैच में अगला सबसे पहले बोल रहा है मास नंबर, मतलब द्रव्यमान संख्या। किससे डिनोट करते हैं द्रव्यमान संख्या को, आपको पता है मास नंबर को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं। तो पहले में पी में 1, पी में 1 देखो, इसमें भी पी में 1 है, इसमें भी पी में 1 है, इसमें पी में सेकंड, तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत। चलो आगे चेक करते हैं, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक किससे डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, आपको पता है एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं जेड से। तो क्यू में कौन सा आ गया, फोर्थ, ये लॉजिक क्यू में फोर्थ इसमें है, तो फर्स्ट आंसर रॉन्ग हो गया और आंसर कौन सा बन गया अपना, सेकेंड। चलो आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम अभी तो लिखा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पीछे वाले क्वेश्चन में, ए माइनस क्या होता है, जेड होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये रहे। टू इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में होते हैं, देखो के सेल होती है, जो एक नंबर की सेल होती है, पहली सेल वो के नंबर की होती है, और आपको पता है एक नंबर सेल में एक ही सब सेल होता है, तो इसमें अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में होगा, के में होगा, तो अपना आंसर सेकेंड राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निकिता साबू, बायोलॉजी फैकल्टी टीम CLC। आज हम CLC टेक्नो के बायोलॉजी पोर्शन का सॉल्यूशन करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। चलिए आपसे पूछा गया है वेयर डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर चलती है, तो इसका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन होती है, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्यूलर। आपसे बोला गया है ए सेल्यूलर के मतलब इसमें सेल नहीं है, ठीक है, सेल से इसका जो कॉम्पोजिशन नहीं बना हुआ है, तो वायरस जो है, वायरस इज ए सेल्यूलर, इसमें जो है सेल नहीं होती, सो द करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलिए इन अ प्लांट सेल जेनेटिक मटेरियल अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, देखिए अब आपको ये तो पता है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है, ये बात तो आपको पता है, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्लांट सेल की बात। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्लांट सेल की बात। तो प्लांट सेल के अंदर अपन को ये भी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों क्या है, ये दोनों है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल।
इन दोनों में भी डीएनए होता है, ठीक है। अब अगर अपन प्लांट के केस की बात करें तो प्लांट में तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, तो तीनों में जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड द डेटा फॉर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स गिवन बिलो, ठीक है। ये ए टाइप की सेल है, ये कोई बी टाइप की सेल है और ये सी टाइप की सेल्स है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इधर दिए हुए हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है इसके आधार पर कि अपना कौन सा सेल का टाइप होगा ये। चलिए तो इसके अंदर देखते हैं अपन, जैसे इसके अंदर क्या है, सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, आरएनए डीएनए भी प्रेजेंट है, बट जो सेल्युलर ऑर्गेनल्स है ना, मतलब मोस्टली जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल्युलर ऑर्गेनल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल नहीं होता है, तो ठीक है हम ए को फाइंड आउट कर पाए। अब अपन ए में देखते हैं, ठीक है, तो ए में बैक्टीरिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बैक्टीरिया इसमें सूटेबल बैठ रहा है, बट बैक्टीरिया इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पर मूव करेंगे। बी को देखते हैं, बी के अंदर सब कुछ है, ठीक है, बी के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी है, न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल भी है, बट सेंट्रियोल नहीं है। तो आपको ये बात पता है कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। सो बी के अंदर अब आपके पास दो चीजें हैं कि या तो प्लांट हो सकता है तो वायरस हो सकता है, तो वायरस तो ए सेल्युलर है, ठीक है, उसमें तो कोई सेल्युलर ऑर्गेनेल ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर अब सी को भी देख लेते हैं, सी के अंदर देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए हो सकता है, वायरस में आइदर डीएनए हो सकता है, सिर्फ वही प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, देखिए गर्थ और विड्थ, ठीक है, दोनों जो कौन इंक्रीज करता है, दोनों इनको इंक्रीज करने का काम लेटरल मेरिस्टेम करता है। तो ये टिश्यू चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, तो यहां पर लेटरल मेरिस्टेम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई पी क्यू आर फ्रॉम द गिवन फिगर, ये फिगर आपके एनसीईआरटी में टिश्यू चैप्टर में दिया हुआ है ना। अब देखो ये पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है ना। P क्या है, P है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, P क्या हो सकता है, P है एपिकल मेरिस्टेम, श्योर, क्योंकि ये टिप पर है ना, तो टिप पर जो मेरिस्टेम होता है वो एपिकल मेरिस्टेम है। इसके बाद ये जो Q है, ये देखिए ये Q जो है ये है इंटरकैलरी, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है और ये क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और यहाँ पर ये जो मेरिस्टेम है ये है आपका लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो अब ये जो ऑप्शन बन रहा है आपका, उसको आपने फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो देखते हैं एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ये देखो पी एपिकल, क्यू इंटरकैलरी, आर लेटरल, ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सेट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस, इन सारे सेंटेंसेस को पढ़िए, इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से फाइंड आउट करना है। ब्लड हैज मैट्रिक्स, बिल्कुल, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट कंटेनिंग प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन, सही बात है, बिल्कुल ठीक है, मैट्रिक्स होगा जिसमें प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे, सही बात है। नेक्स्ट दिया हुआ है टू बोन्स आर कनेक्टेड विद टेंडन्स, नो, टेंडन्स किसको कनेक्ट करती है, बोन विद मसल, ठीक है, तो बोन्स बोन को बोन से कनेक्ट कौन करता है, लिगामेंट, कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट, तो अपना जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट। बाकी सारे देखो, नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल, सही बात है, कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सही बात है, ठीक है। तो अपना जो जो मतलब अपन को ये फाइंड आउट करना था इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सेपरेटली ऑन 4 स्लाइड, विच ऑफ देम विल नॉट कोगालुए, किसका कोगालुशन नहीं होगा। तो चलिए अब आप इसमें देखते हैं अपन, तो अपन ने 4 ड्रॉप जो है वो डाली है, ठीक है, 4 में कौन सी में क्लॉटिंग आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है, तो जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर, इन चारों सैंपल्स में जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे ना, वहां पर क्लॉटिंग, ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा, वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर ब्लड सीरम के अंदर आपको पता है ब्लड जो सीरम होता है इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर एब्सेंट किसके अंदर, ब्लड के सीरम के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड को क्या कर देते हैं, क्लॉट बना देते हैं। तो अगर आपने 4 सेपरेटली डाला है तो इसके अंदर अगर आपने ब्लड सीरम की ड्रॉप डाली है तो वो क्या होगा, उसमें क्लॉटिंग आपको दिखाई नहीं देगी, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
विच वन इज अ ट्रू फिश, इन चारों में से फाइंड आउट करो कि ट्रू फिश कौन सी है. तो डॉग फिश जो है वो बिलोंग करती है पिसेस ग्रुप से, तो ये क्या हो गई, एक ट्रू फिश हो गई. ये इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय, एलिफेंटियासिस को कौन कॉज करता है, एक वर्म कॉज करता है जिसका नाम होता है वुचेरिया. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, वुचेरिया. थैंक यू.